आज के इस एपिसोड में हम यह तोरण किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह तोरण बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4-ply की ऊन का ही इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर इन 3 रंगों की ऊन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अलग कलर्स भी ले सकते हैं। हमेशा की तरह हम यहाँ पर 1.75 mm की सुई का इस्तेमाल करेंगे और कैंची का इस्तेमाल होगा। तो चलिए देखते हैं यह तोरण कैसे बनाते हैं। यह तोरण बनाने के लिए पहले हमें यह पेटल्स बनाकर लेनी है। तो यह पेटल बनाना अब हम सीखेंगे। तो यह पेटल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले इस फ्लोरोसेंट येलो कलर का इस्तेमाल किया है। पहले हम बना कर लेंगे एक नॉट। नॉट बन जाने के बाद लूप में सुई को डालेंगे और यहाँ पर बनेंगी हमारी 16 चैन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। 16 चैन्स बन जाने के बाद हम यहाँ पर पहले चैन के गैप में सुई को डालेंगे और एक स्लिपिंग स्टिच के साथ रिंग बनाकर लेंगे। तो देखिए हमारी रिंग तैयार है। अब हमें यहाँ पर टोटल 16 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो इसकी शुरुआत पहले हम करेंगे 3 चैन्स से, 1, 2 और 3। यह 3 चैन्स भी हमारी एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। तो आगे हम बनाएंगे टोटल 15 डबल क्रोचेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो यहाँ शुरुआत में हमने टोटल 16 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। तो आगे हमें अब इस डिज़ाइन को पलटी करके लेना है। देखिए यह शुरुआत का हमारा राउंड तैयार हो गया है। डिज़ाइन को हमने पलटी कर लिया है। अब अगला राउंड शुरू करने के लिए वापस शुरुआत में बनेंगे 3 चैन्स, 1, 2 और 3। यह 3 चैन्स बन जाने के बाद आगे हमें यहाँ पर पहले 2 डबल क्रोचेट के बीच में 2 पॉप स्टिच बनाकर लेनी है। तो उसके लिए हम 3 बार सुई के ऊपर से धागे को लेंगे। तो यहाँ पर पहले शुरुआत में हमने 3 चैन्स बना कर ली थी, इसलिए आगे मैंने केवल 2 बार ही सुई के ऊपर से धागे को लिया है। देखिए मैं वापस आपको बता रही हूँ, पहले हमने 3 चैन्स बना लिए, एक बार धागे को सुई के ऊपर से लिया, 2 लूप्स तैयार हो गई, वापस दूसरी बार लिया तो 4 लूप्स तैयार हो गई और पहले 3 चैन्स बनाए थे वह भी। तो अब यहाँ हमने पॉप स्टिच पूरा कर लिया। सेम गैप में वापस बनेगा और एक पॉप स्टिच। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 बार हमने धागे को ऊपर नीचे सुई के ऊपर से लिया है। तो पहले शुरुआत के गैप में बन गए हमारे 2 पॉप स्टिच। बीच में हमें चैन्स नहीं बनानी है। अगले गैप में वापस बनेगी हमारी 1 पफ स्टिच। देखिए पफ स्टिच की जो साइज़ है उसको सेम रखने के लिए 3 बार ही हमें धागे को सुई के ऊपर से लेना है। अगर हमने यह 3-4 ऐसा गड़बड़ कर दिया तो यह साइज़ सेम नहीं दिखेगी। तो देखिए यहाँ पर वापस अगले 2 डबल क्रोचेट के बीच में बनेगी 1 पफ स्टिच। तो देखिए यहाँ पर हमने टोटल 16 डबल क्रोचेट बना कर लिए थे पहले राउंड में। तो शुरुआत में हमने यहाँ पर बना दिए 2 पफ स्टिच, आगे 1, 2, 3, 4 पफ स्टिच बन गए हैं। तो यहाँ पर 5 गैप में हमने पफ स्टिच बना कर लिए हैं। अब
उसके आगे वाले गैप में भी बनेगा हमारा एक पफ स्टिच। ये हो गए हमारे टोटल 6। यह 6 जो मैं बोल रही हूँ वह हमारे यह गैप में गिन रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, और अब 7वें गैप में मैं एक पफ स्टिच बना रही हूँ, क्योंकि 8वें गैप में हमें टोटल 2 पफ स्टिच बनाकर लेने हैं। तो यह 8वां गैप है, वहाँ पर वापस सेम ही गैप में हमारे 2 पफ स्टिच बनेंगे। देखिए एक बन गया, बीच में बनेंगी हमारी 3 चेन्स, और सेम उसी गैप में बनेगा और एक पफ स्टिच। अब आगे आखिर तक जाने तक, जैसे यह हमने एक साइड बना लिए है, सिंगल हमारे पफ स्टिच 1 2 3 4 5 6 है, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक एक गैप में हमारे एक एक पफ स्टिच 6 बनेंगे, बीच में केवल 2 और आखिर में 2 2 बनेंगे। तो देखिए यह जो शुरुआत के पफ स्टिच है वहाँ पर हमने बीच में चेन्स नहीं बनाए थे, केवल मिडल वाले पफ स्टिच के बीच में हमारे यहाँ पर 3 चेन्स बनेंगे। अब यहाँ पर आगे गैप में बनेगा एक पफ स्टिच, उसके आगे वाले गैप में भी एक पफ स्टिच, देखिए दोनों साइड में सेम होने चाहिए, इसलिए आपकी गिनती आपको करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, और 2 बनाने हैं हमें। और आखिरी गैप में बनेंगे हमारे 2 पफ स्टिच। एक, और सेम ही गैप में और एक। तो यहाँ पर यह राउंड भी हमारा पूरा हो गया। तो देखिए यह डिज़ाइन जब बनेगी तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब इस डिज़ाइन को हम वापस टर्न करके लेंगे, और यहाँ पर जो शुरुआत में हमारी 2 पफ स्टिच बनी थी उनके गैप में भी हमें यहाँ पर 2 पफ स्टिच बनाकर लेने हैं। तो शुरुआत में बनेंगे 3 चेन्स, 3 चेन्स बन जाने के बाद 2 बार हमें धागे को ऊपर नीचे लेना है। यह बन गया हमारा एक पफ स्टिच, और उसके आगे और एक पफ स्टिच सेम ही गैप में। तो यहाँ पर वापस हर एक गैप में एक एक पफ स्टिच बनाते हुए हम मिडल तक आएंगे, यहाँ बीच में कोई भी चैन नहीं बनेगा। पफ स्टिच की साइज भी हमें सेम ही रखनी है। तो यहाँ पर पफ स्टिच बनाते बनाते हम मिडल वाले गैप तक, चैन्स के गैप तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर वापस बनेंगे हमारे 2 पफ स्टिच। तो एक पफ स्टिच हो गया, सेम आगे बनाएंगे 3 चेन्स, और सेम गैप में ही बनेगा और एक पफ स्टिच। और अगले हर एक पफ स्टिच के गैप में एक एक पफ स्टिच बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम वापस आखिर में आ चुके हैं, तो यहाँ आखिरी गैप में बनेंगे हमारे 2 पफ स्टिच। देखिए यह जो डिज़ाइन है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी।
तो यहाँ पर अब हमें धागे को काटना है क्योंकि हम अब दूसरे रंग का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। धागे को काट कर केवल लूप में से हम ऊपर की तरफ खींचेंगे और गांठ लगा लेंगे। तो आगे हम यहाँ पर दूसरा रंग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं यह धागा जोड़ रही हूँ, उसके लिए केवल हमें क्या करना है, तो यहाँ कॉर्नर की जो हमारी दो पॉप स्टिच है उसके गैप में हम धागे को जोड़कर लेने वाले हैं। दो तीन गांठें बनाएंगे। यहाँ पर बात ध्यान में केवल एक ही रखनी है कि शुरुआत की जो दो पॉप स्टिच है उनके गैप में दो पॉप स्टिच बनेंगे और मिडल वाले गैप में दो पफ स्टिच, उनके बीच में तीन चेंस और लास्ट वाले दो पफ स्टिच है उनके गैप में दो पफ स्टिच बनेंगे। बाकी हमें हर एक गैप में एक एक पफ स्टिच ही बनाना है और पफ स्टिच की साइज़ सब जगह पर सेम रहेगी। केवल यह राउंड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें पफ स्टिच के बीच में चेंस बनाकर लेनी है, तो देखते हैं वह किस प्रकार। तो यहाँ पर शुरुआत में हमेशा बनेंगी हमारी तीन चेंस। तीन चेंस बन जाने के बाद आगे केवल दो बार हम धागे को सुई के ऊपर से लेंगे और यह बन गई हमारी एक पफ स्टिच। अब यहाँ पर हम मिडल में बनाएंगे एक चेन, आगे वापस बनाएंगे एक पफ स्टिच सेम ही गैप में। आगे बनेगी एक चेन, तो यहाँ पर हमें मिडल तक जाते हुए हर एक पफ स्टिच के बीच में एक एक चेन बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर पफ स्टिच और बीच में एक एक चेन बनाते हुए हम मिडल में आ पहुँचे हैं। तो मिडल के चेन्स के गैप में वापस हम एक पफ स्टिच बनाएंगे और यहाँ पर बनेंगी हमारी तीन चेन्स, एक दो और तीन, और सेम ही गैप में वापस बनेगा हमारा एक पफ स्टिच। तो देखिए यहाँ पर मिडल के गैप में जो चेन्स बनेंगी उनकी संख्या जो है वह हमेशा सेम ही रहेगी, तीन तीन। केवल यहाँ पर चेन्स की जो संख्या है वह चेंज होती जाएगी, बदलती जाएगी। अब हमने इस राउंड में हर एक पफ स्टिच के बीच में एक एक चेन बनाई है, तो आगे भी बनेगी एक चेन और यहाँ आखिर तक जाते हुए हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, एक पफ स्टिच और एक चेन। तो यहाँ पर इस राउंड के अब हम आखिर तक आ पहुँचे हैं, तो सेम जैसे शुरुआत में किया था वैसे ही इस एक ही गैप में हमारे लास्ट में दो पफ स्टिच बनेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पफ स्टिच बना लिया, आगे बनाएंगे एक चैन और एक पफ स्टिच। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं होता है, पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ यह चैन्स की संख्या जो होती है वह हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ती है एक एक करके। तो आगे वापस अगला राउंड शुरू करने के लिए हम शुरुआत में बनाएंगे तीन चैन्स और आगे दो बार सुई के ऊपर से हम धागे को लेंगे। यह हो गया हमारा शुरुआत का एक पफ स्टिच। बीच में अब हम बनाएंगे दो चेन्स और दो चेन्स बन जाने के बाद सेम गैप में यहाँ पर वापस बनेगा हमारा एक पफ स्टिच। तो यह बन गया और एक पफ स्टिच। अब यहाँ पर हर एक पफ स्टिच के बीच में दो दो चेन्स बनाते हुए हम मिडल तक जाएंगे। मिडल में जाने के बाद भी हमारा पैटर्न सेम ही रहेगा, सेम गैप में हम यहाँ पर बनाएंगे दो पफ स्टिच और बीच में जब हम मिडल वाले दो पफ स्टिच बनाते हैं तो उनके बीच में बनेंगे हमारे तीन चेन्स। ऐसे करते करते हम यह राउंड भी पूरा करके लेंगे, बाकी कहीं पर भी बदलाव नहीं होगा। एक पफ स्टिच बन जाने के बाद हमें बनाने हैं दो चेन्स, केवल मिडल में बनेंगे दो पफ स्टिच और दो पफ स्टिच के बीच में तीन चेन्स। तो यहाँ पर हम आखिर में आ पहुँचे हैं, तो आखिर के गैप में
बनेगी एक पफ स्टिच, दो चैंस और सेम ही गैप में दूसरी पफ स्टिच। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड भी जो है वह पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम धागे को काटेंगे और गांठ लगा कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अब हमें वापस यह लाइट कलर जोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने धागे को काट लिया और गांठ लगा ली। यह राउंड पूरा हो जाने के बाद हमारी डिज़ाइन जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। जहाँ पर हमारी गांठें दिखती है वह हम पीछे की तरफ रखेंगे। बाकी इस डिज़ाइन में अगला पीछा ऐसा कोई भी साइड नहीं है, दोनों साइड देखेंगे तो सेम ही दिखते हैं। केवल जहाँ पर धागे ज़्यादा होंगे उनको हम पीछे की तरफ रखेंगे तो वह हमारी पीछे की साइड हो जाएगी। तो इसके ऊपर वापस हम यहाँ शुरुआत के दो पफ स्टिच के बीच में अगला धागा जोड़कर लेंगे। यही धागा यही कलर हमको यहाँ पर रिपीट करना है। तो यहाँ पर पहले हम धागे को जोड़ कर लेने वाले हैं, उसके लिए हम दो तीन गांठें लगा लेंगे। शुरुआत में हमेशा की तरह बनाएंगे हम तीन चेन्स, एक दो और तीन। तीन चेन्स बन जाने के बाद दो बार हमने धागे को ऊपर नीचे किया है। यहाँ पर भी बनेंगी हमारी दो चेन्स। तो इस राउंड में भी हर एक पफ स्टिच के बीच में बनाएंगे दो दो चेन्स। केवल मिडिल में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर एक ही गैप में दो पफ स्टिच बनेंगे और वहाँ पर हमें बनाने हैं तीन चेन्स। यानी कि यह पैटर्न हमें इस पूरे राउंड के लिए सेम ही रखना है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो देखिए ये धागा जो है जब हम कट करते हैं तो बीच में आता है, तो उसको ठीक से पीछे की तरफ रखना है। तो इस पफ स्टिच के बाद दो चेन्स और आगे वापस एक पफ स्टिच। पफ स्टिच की साइज़ भी हम आखिर तक सेम ही रखेंगे। तीन बार ही हमको सुई के ऊपर से धागे को लेना है। तो यही पैटर्न रिपीट करते हुए हमें यह राउंड और इसके ऊपर वाला राउंड भी पूरा करके लेना है। उसमें भी बनेंगी हमारी दो दो चेन्स ही हर एक पफ स्टिच के बाद में। तो चलिए पूरा करके लेते हैं यह राउंड और उसके ऊपर वाला दूसरा राउंड। तो यहाँ पर सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हम इस राउंड के भी एंड तक आ गए हैं। मैं आपको वापस बताती हूँ, हमने ये दो राउंड सेम पैटर्न रिपीट करते हुए बनाए थे। एक पफ स्टिच, बीच में दो चेन्स, केवल मिडल में हमारे तीन चेन्स बनते हैं और सेम गैप में दो पफ स्टिच। तो ये पैटर्न हमें सेम ही रखना है, केवल चेन्स की संख्या हमारी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आखिर में दो पफ स्टिच बनेंगे, बीच में दो चेन्स बनेगी, एक और दो। और ये बन गया हमारा आखिरी पफ स्टिच। तो यहाँ पर हम धागे को काटेंगे और गांठ बना लेंगे, देखिए इस प्रकार। तो यह राउंड पूरा हो जाने के बाद हमारी जो डिज़ाइन है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हमें क्या करना है, तो दूसरा रंग यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ पर मैंने तीन रंगों का इस्तेमाल किया है, तो अब यहाँ पर मैं डार्क कलर जोड़ रही हूँ। आपको जिस प्रकार यहाँ पर कलर्स लेने हैं वैसे आप ले सकते हैं। इसके पहले वीडियो में जो मैंने कलरफुल थालपोश दिखाया था उसके कलर्स भी आप यहाँ पर इस्तेमाल करके तोरण बना सकते हैं। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे तीन चैन से और आगे दो बार सुई के ऊपर से हम धागे को लेंगे और एक पफ स्टिच बनाएंगे।
आगे पैटर्न सेम ही रखना है, दो चेन्स ही बनाने हैं, सेम गैप में वापस हमारा एक पॉप स्टिच बन जाएगा। आगे दो चेन्स और अगले गैप में एक पॉप स्टिच। तो इस राउंड में भी हमारी सेम ही डिज़ाइन रहेगी, सेम पैटर्न हमको रिपीट करना है, जैसे कि इन दो राउंड में हमने किया था, एक पॉप स्टिच बीच में दो चेन्स। तो ऐसे करते करते हम आखिर तक जाएंगे। केवल बीच में जब हम आएंगे तो सेंटर का जो हमारा डिज़ाइन है वो आपको ध्यान में रखना है। एक ही गैप में हमारे दो पॉप स्टिच बनेंगे और बीच में तीन चेन्स बनेंगी, बाकी डिज़ाइन सेम ही रहेगा। तो चलिए यह राउंड भी पूरा करके लेते हैं, एक पॉप स्टिच और दो चेन्स। तो इस राउंड के आखिर में हम पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर भी हमारी दो पॉप स्टिच बनेंगी, चेन्स की संख्या भी यहाँ पर हमारी सेम ही रहेगी। तो देखिए यह राउंड पूरा हो जाने के बाद हमारी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब सेम ही रंग का और एक लाइन या राउंड हमें ऊपर बना कर लेना है, लेकिन अब दो चेन्स की जगह पर हमारे तीन चेन्स बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत करेंगे तीन चेन्स के साथ, दो बार यहाँ पर सुई के ऊपर से धागे को लेकर पॉप स्टिच बनाएंगे, बीच में बनेंगी हमारी तीन चेन्स। अब हमें यहाँ पर तीन तीन चेन्स बनाकर लेनी है। आगे बनाएंगे तीन चेन्स और तीन चेन्स बन जाने के बाद अगले गैप में बनेगा हमारा एक पॉप स्टिच। यहाँ पर चेन्स की संख्या हमें बढ़ाकर लेनी पड़ती है ताकि हमारी डिज़ाइन प्लेन रह सके। इस प्रकार अगर हमने चेन्स की संख्या नहीं बढ़ाई तो यह डिज़ाइन सिकुड़ सी जाएगी। तो उसके लिए ही यहाँ पर एक एक चेन हमें बढ़ाकर लेना पड़ता है दो दो राउंड्स के बाद। तो यहाँ पर वापस बनाएंगे तीन चेन्स और आगे एक पफ स्टिच। तो यही पैटर्न रिपीट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। केवल जब हम सेंटर में आएंगे जहाँ पर हमने तीन तीन चेन्स बना कर दी थी, अब यहाँ पर हम बनाएंगे चार चेन्स, बाकी डिज़ाइन सेम ही रहेगी, तीन चेन्स एक पॉप स्टिच। तो यहाँ पर एक पॉप स्टिच बीच में तीन चेन्स बनाते बनाते हम बीच वाले गैप में आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर अब तीन चेन्स की जगह पर हमें बनाने हैं चार चेन्स, एक दो तीन और चार, और सेम ही गैप में हमारी दूसरी पॉप स्टिच बनेगी। आगे वापस तीन चेन्स और हर एक गैप में एक एक पॉप स्टिच। यह पैटर्न रिपीट करते हुए हम यह राउंड भी यहाँ तक पूरा करके लेंगे। अब हमारे चेन्स की संख्या यहाँ पर तीन ही रहेगी। तो यहाँ हम आखिरी गैप तक आ पहुँचे हैं, तो यहाँ पर भी बनेंगी तीन चेन्स और एक ही गैप में यहाँ पर बनेंगे हमारे दो पॉप स्टिच। तो इस प्रकार यह राउंड भी हमारा पूरा हो गया है। तो यहाँ पर लूप को बड़ा कर लिया, अब हम यहाँ पर धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। यह राउंड पूरा हो जाने के बाद हमारी डिज़ाइन जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो अब आगे हमें यहाँ पर एक और सेम पप स्टिच वाला, सेम ही यानी कि दो पप स्टिच के बीच में बनेंगी तीन तीन चेन्स, और जब हम बीच में आएंगे तो बनेंगी चार चेन्स और दो पप स्टिच एक ही गैप में। तो हमें आगे वापस इस लाइट कलर का ही राउंड बनाकर लेना है। केवल एक राउंड बनेगा और यहाँ पर हमारे यह जो पप स्टिच के राउंड्स है वह अब पूरे हो जाएंगे जब हम
यह बनाकर पूरा कर लेंगे। तो देखिए, शुरुआत में हम धागे को जोड़ेंगे, दो तीन गांठ बना लेंगे, राउंड की शुरुआत करेंगे तीन चेन्स के साथ, एक दो तीन, दो बार धागे को सुई के ऊपर से लेंगे और यहाँ पर बनेगा हमारा शुरुआत का पहला पप स्टिच। बीच में बनाएंगे तीन चेन्स, तीन चेन्स बन जाने के बाद सेम ही गैप में वापस बनेगा हमारा और एक पप स्टिच। आगे वापस बनाएंगे तीन चेन्स और एक पप स्टिच अगले गैप में। तो जैसे इसके पहले वाला राउंड हमने किया था, वैसे ही करते हुए हमें यह राउंड भी कंप्लीट करके लेना है। तो यहाँ पर बनेगी हमारी आखिरी पफ स्टिच इस राउंड की, और अब यह पफ स्टिच वाली जो डिज़ाइन है वह हमारी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम धागे को काटेंगे और गांठ लगा कर लेंगे। तो देखिए, यह जो पैटर्न है, यह जो हमने पेटल बना कर लिया है, अगर आप चाहे तो इसको ऐसा ही रख के हर एक गैप में पॉम पॉम लगा कर इसको तोरण पट्टी के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाई है उसमें अब हम यहाँ पर काम करेंगे। तो उसके लिए पहले हम सेम जो हमने यह धागा लिया था उसी रंग का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए, अब हमें यह जो हमारी शुरुआत की पफ स्टिच है उसके ऊपर वाले गैप में धागे को जोड़कर लेना है। यहाँ पर हमें झालर जैसी डिज़ाइन बनाकर लेनी है। देखिए, एक पेटल मैंने आपको दिखाने के लिए बना कर रखी है, तो यहाँ पर मैंने यह झालर जैसी डिज़ाइन बना कर ली है। और अगर आप चाहे तो यह पेटल ऐसे ही रख के यहाँ पर आप सीधे पॉम पॉम लगा कर यह डिज़ाइन तोरण पट्टी के साथ जोड़ते हैं तो भी वह बहुत सुंदर दिखती है। तो यहाँ पर झालर बनाने के लिए अब हम अगला रंग यहाँ पर जोड़ कर लेंगे। देखिए, शुरुआत की पफ स्टिच के ऊपर मैंने धागे को जोड़ लिया है, दो तीन गांठें बना ली। अब हमें क्या करना है, तो 12 चेन्स बनाने हैं। 12 चेन्स की हमारी एक लूप बनेगी। तो यहाँ पर बनेंगी 12 चेन्स, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और 12। 12 चेन्स बन जाने के बाद जो अगली हमारी पफ स्टिच है उसको हम स्किप कर देंगे और उसके अगले पफ स्टिच के ऊपर वाले गैप में यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह लूप जोड़ लेंगे। देखिए, इस प्रकार लूप तैयार हो जाएगी। आगे सेम हमें आखिर तक करना है। 12 चेन्स बनाएंगे, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और 12। 12 चेन्स बन जाने के बाद एक पप स्टिच बीच वाली स्किप करके अगले पप स्टिच के ऊपर एक स्लिपिंग स्टिच के नहीं सिंगल क्रोचेट के साथ इसको हम जोड़कर लेंगे। तो यह करते हुए हम यह राउंड भी पूरा करके लेंगे, 12 चेन्स और आगे एक पप स्टिच स्किप करके उसके अगले पफ स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोचेट के साथ उसको हम जोड़ेंगे। 7 8 9 10 11 और 12। तो चलिए, यह राउंड भी हम पूरा करके लेते हैं। तो यहाँ पर हम आखिर तक आ पहुँचे हैं। 12 12 चेन्स की हमने लूप बना कर ली है। हमने एक एक पफ स्टिच को यहाँ पर स्किप किया था
और अगले पफ स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको जोड़ा था। अगर आखिर में हमारी यहाँ पर चार, 1 2 3 4 भी पफ स्टिच रह जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, तो आखिरी दो जो पफ स्टिच है उसके बीच में यहाँ पर यह चेन्स की लूप को जोड़कर लेना है एक सिंगल क्रोचेट के साथ। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर एक भी पफ स्टिच ज़्यादा हुआ तो। तो यहाँ पर ऐसे लूप बन जाने के बाद अब पहली लाइन झालर की जो बनेगी वह सेम कलर की ही बनानी है, इसलिए यहाँ पर हम धागे को काटेंगे नहीं। डिज़ाइन को हमने ऐसे टर्न करके लिया है और अब हम यह जो हमारी 12 चेन्स की लूप है उसके हर एक लूप में एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत में पहले बनेंगी हमारी 3 चेन्स, जो कि हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा, 1 2 और 3। और आगे जब हम चेन्स में डबल क्रोचेट बनाएंगे तो देखिए यह चेन्स का पिछला भाग है और हमें हमारी उंगलियों से उसको सीधे करके पकड़ना है और उसी में डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो यहाँ पर हर एक चेन में बनेगा एक एक डबल क्रोचेट। तो हर एक चेन में हमने अगर डबल क्रोचेट बनाए तो यहाँ पर 12 डबल क्रोचेट बन जाएंगे। और जहाँ पर हमने यह चेन्स पॉप स्टिच के ऊपर जोड़ी है उस सिंगल क्रोचेट के ऊपर भी हमें बना कर लेना है एक डबल क्रोचेट। तो यही पैटर्न रिपीट करते हुए केवल हर एक चेन में और सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम इस राउंड के आखिर तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो 12 चेन्स की लूप बनाई थी इस प्रकार की, उस हर एक लूप में हमने यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बना कर लिया है। और जहाँ पर हमने यह लूप जो है वह पफ स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट के साथ जोड़ी थी उसके ऊपर भी हमने यहाँ पर एक एक डबल क्रोचेट बना कर लिया है। तो यह राउंड पूरा हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगा। देखिए यहाँ पर यह पूरा हो गया है, तो उसके ऊपर आपको वापस यह पीला रंग जोड़ना है और सेम पैटर्न ही करना है। हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा एक एक डबल क्रोचेट, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और आखिर में वापस आपको इस डार्क पर्पल कलर को जोड़ कर लेना है। केवल शुरुआत में हमारी 3 चेन्स बनेंगी, बाकी पैटर्न सेम ही रहेगा, हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट। तो यह पूरा बन जाने के बाद यह पेटल जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी और इसकी झालर जो है वह ऐसे दिखेगी। तो आपको क्या करना है, आपके दरवाजे के चौड़ाई के हिसाब से आपको यह पेटल्स बनाकर लेनी है। फिर हम देखेंगे कि इसकी तोरण पट्टी कैसे बनाई जाती है।